Hello friends, this is Dr. Bakul Dev and I welcome you all at Unacademy Studios Placebo, your one-stop solution for NEET as well as AIIMS. और ये हमारा बहुत छोटा सा, बड़ा interesting, बड़ा मजेदार और बहुत important session है, that is Beat the NEET. Beat the NEET series में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम बहुत ही important topics कम टाइम में डिस्कस करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करेंगे. तो आज का जो सेशन है उसमें हम पढ़ने वाले हैं PCR, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काम में आता है टेक्निक, डीएनए को मल्टीप्लाई करने के, डीएनए को रेप्लिकेट करने के या डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने का, ये बेस्ट अवेलेबल मेथड्स है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं. तो आज हम पढ़ने वाले हैं PCR. वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन अ व्हाइल. उससे पहले एक नजर यहां पर, दिस इज टीम प्लेसेबो. बच्चों, हम आपके लिए डेली 12 आवर्स के लाइव सेशंस ले रहे हैं अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसेबो पर. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी चारों सब्जेक्ट्स में अमित सर बॉटनी पढ़ा रहे हैं आपको शाम 5 बजे रात 11 बजे, दीपक सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं दोपहर 2 बजे रात 9 बजे, आनंद सर जूलॉजी पढ़ा रहे हैं सुबह 10 बजे रात 10 बजे, मैं भी जूलॉजी पढ़ा रहा हूं सुबह 11 बजे और दोपहर 3 बजे. ये टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ है तो कल से जो टाइमिंग है उसका आपको ध्यान रखना है. शाम 7 बजे की जगह क्लास अब हुआ करेगी 11 बजे और 3 बजे. रितु मैम बायोलॉजी पढ़ा रही हैं आपको शाम 4 बजे, शाम 6 बजे और रोहित सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं दोपहर 12 बजे और रात 8 बजे. इसके लिए बहुत बार मेरे से कहा गया था, काफी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी. सो हियर इज द टेलीग्राम लिंक फॉर ऑल ऑफ यू. आप ज्वाइन कीजिए इसको, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए. डाउनलोड करने के बाद इस लिंक को URL में टाइप कीजिए और तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी कि कब कब कौन कौन से सेशंस आ रहे हैं, किस किस एजुकेटर के, कब कब कौन कौन से सब्जेक्ट्स को लेकर के क्या क्या डिस्कशन होना है. तो जल्दी से इस टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. ओके, प्लस अनअकैडमी प्लस, जिस पर सब कुछ प्लस है, जहां सब कुछ एडवांटेजियस है, जहां आपका प्रिपरेशन हर तरीके से फुल प्रूफ हो जाता है. अनअकैडमी प्लस को भी सब्सक्राइब कीजिए. और प्लस पर आपको एक अच्छी बात मैं बता दूं कि अभी 7 डे का फ्री ट्रायल चल रहा है जिसमें आप बिना सब्सक्राइब किए उसको ज्वाइन कर सकते हैं. वहां जो जो चीजें चल रही हैं उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि किस तरीके के क्लासेस वहां पर चलते हैं और किस तरीके का एक्सपीरियंस आपको वहां पर आता है. प्लस को ज्वाइन करने की वजह यह है बच्चों, क्योंकि प्लस वो प्लेटफॉर्म है जिस पर हम वीकली क्विजेज ऑर्गेनाइज करते हैं, यूनिट कंप्लीशन पर मेगा क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं और ये सारी की सारी क्विजेज लाइव होती हैं. सारे बच्चे जो प्लस जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो सब इसमें अपीयर होते हैं. आपको एग्जैक्टली अपना स्टेटस पता चलता है कि लेवल ऑफ प्रिपरेशन हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, हम वहां पर हर चौथा क्लास डेडिकेटेड डाउट रिमूवल सेशन रखते हैं जिससे कि आपके सारे डाउट्स, आपके सारे क्वेरीज हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकें. थर्ड, सेशन कंप्लीट होते ही आपको नोट्स मिल जाते हैं PDF फॉर्मेट में. फोर्थ, जो भी क्लास आपका मिस हो गया है आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास को फिर से देख सकते हैं. एंड फिफ्थ, बिल्कुल पर्सनलाइज्ड और बिहेवियरल पैटर्न के साथ में आपकी ट्रेनिंग के लिए, नीट और एम्स की प्रिपरेशन के लिए इससे बेहतर और कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है. जल्दी से प्लस को सब्सक्राइब करो बच्चों. अलग अलग कोर्सेज प्लस पर चलते रहते हैं. एक बार जब आप प्लस सब्सक्राइब करते हैं तो आप सारे एजुकेटर्स की क्लासेस और सेशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. सब्सक्राइब करने का तरीका बड़ा आसान है. इस वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नीचे एक लिंक मिलेगा आपको. लिंक को क्लिक करेंगे तो सब्सक्रिप्शन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा. और इस सब्सक्रिप्शन पेज को ओपन करके आपको क्या करना है, अगर आप 12th में हैं या ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान ऑप्ट कर लेना है बच्चों, जिसका फी बहुत ही कम है. दैट इज 25,000 फॉर 1 ईयर. 40 प्लस टॉप एजुकेटर्स आर देयर. ओके, व्हाट यू आर पेइंग 25,000 फॉर 1 ईयर, सारे सेशन, सारे डाउट सेशन, सारे क्विजेज, सारे मेगा क्विजेज, सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में, सब सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी. और यहां अगर आपने ये रेफरल कोड काम में लिया, दैट इज Bakul10, द फी विल कम डाउन टू 22,500. ओके, बहुत कम हो जाने वाली है. और जो बच्चे अभी 11th में आए हैं, जो तय कर चुके हैं कि उन्हें डॉक्टर बनना है, नीट और एम्स में बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होना है, उनके लिए 24-month सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल है. 2 साल के लिए आपको कंटिन्यूअसली प्लस से जुड़े रहना है, जहां आपको 40 के आसपास टॉप एजुकेटर मिलते हैं, डेली 30+ आवर के लाइव सेशंस जहां पर चल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं, डाउट सेशंस चल रहे हैं, क्विजेस चल रही हैं. ज्वाइन कर लो जल्दी से. 40,000 2 ईयर का फी है बच्चों, जो वैसे ही बहुत कम है. 20,000 1 ईयर. और अगर आप ये रेफरल कोड काम में लेते हैं, दैट इज Bakul10, इट इज गोइंग टू कम डाउन 36,000. 18,000 पर ईयर, नथिंग. ज्वाइन कर लो जल्दी से जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छे से चलता रहे. अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा आज का सेशन, दैट इज बीट द नीट.
इन अ ड्यूरेशन ऑफ 30-35 मिनट्स. हम 30-35 मिनट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं जो जिससे यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, दैट इज पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला यूनिट है आपका बच्चों, जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है एक, दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. कई बार इसको, क्योंकि ये इतना पॉपुलर हो गया है कि इसको पीपल्स चॉइस रिएक्शन भी बोल दिया जाता है. पीसीआर जो है, इट इज पॉपुलरली नोन एज पीपल्स चॉइस रिएक्शन ऑल्सो. ठीक है, पॉपुलरली इसको ये भी बोल दिया जाता है. वैसे है ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ठीक है, अब इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो ये समझो. हमारे पास एक डीएनए फ्रेगमेंट है ये, और डीएनए फ्रेगमेंट में आप जानते हैं, वन इज 5' टर्मिनल, अनदर इज 3' टर्मिनल. ये 5', ये 3' टर्मिनल, और ये एक जीन है हमारे पास मान लो, और हमें इसके मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करने हैं, बहुत सारे, लाखों. तो उन कॉपीज को प्रोड्यूस करने का तरीका क्या हो सकता है? एक जीन हमने या एक डीएनए फ्रेगमेंट हमने आइसोलेट किया और उसके मल्टीपल कॉपीज हमें बनाने हैं. उसके मल्टीपल कॉपीज बनाने का जो टेक्निक है बच्चों, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या फिर हम कहें पीसीआर. दिस टेक्निक वॉज इन्वेंटेड बाय कैरिम्यूलिस इन 1985. इट इज यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट. जो जीन हमें एम्प्लीफाई करना है, जैसे मान लो कि हमें इंसुलिन बनाना है कमर्शियली, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स हैं, वहां से इंसुलिन का फंक्शनल जीन आइसोलेट करेंगे और उस जीन के फिर लाखों कॉपीज बनाएंगे, जिससे कि फिर हम कमर्शियली इंसुलिन सिंथेसाइज कर सकें. तो जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जिसको हम एम्प्लीफाई करना चाह रहे हैं, जिस जीन के मल्टीपल कॉपीज हमें बनाने हैं, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट. और कैरिम्यूलिस जो है, ही वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी. इसको सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं, डीएनए एम्प्लीफिकेशन इन विट्रो. दो टर्म होते हैं बच्चों, वन इज इन विट्रो, अनदर इज इन वीवो. इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड द बॉडी, इन लेबोरेटरी, आर्टिफिशियल मीडियम में, और इन वीवो का मतलब होता है विद इन द बॉडी. ठीक है, इन विट्रो का मतलब हो गया आउटसाइड द बॉडी. तो कुल मिलाकर के सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको एम्पलीफाई करना है. ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इसकी टेक्निक क्या है, किस तरीके से इसको एम्पलीफाई किया जा सकता है. लेट अस स्टार्ट विद पीसीआर. पहले हम पढ़ेंगे कॉम्पोनेंट्स, कि भाई हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी. फिर हम पढ़ेंगे टेक्निक्स, कि भाई इसका प्रोसेस क्या है. आ रही है बात समझ में? जैसे स्पेसिफिक डिफेंस में हम पढ़ते हैं कंपोनेंट, लिम्फोसाइट चाहिए, एंटीजन चाहिए, एंटीबॉडी चाहिए, आपका एमएचसी चाहिए, एपीसी चाहिए, लिम्फोइड ऑर्गन्स चाहिए, ये कंपोनेंट. फिर उसके बाद स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस कैसे काम करता है, वैसे ही इस टेक्निक के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत है. सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डीएनए टेम्पलेट. अब डीएनए टेम्पलेट किसे कहेंगे बच्चों? डीएनए टेम्पलेट का सीधा सा मतलब हो गया डीएनए मॉलिक्यूल विच इज टू बी एम्प्लीफाइड. सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं इसको, जीन ऑफ इंटरेस्ट. जो जीन हमें एम्प्लीफाई करना है उसी को हम कहेंगे डीएनए टेम्पलेट. तो एक तो हमें वो जीन चाहिए जो कि हम एम्प्लीफाई करना चाहते हैं. ओके, दूसरी चीज क्या चाहिए? प्राइमर्स. अब प्राइमर्स क्या होते हैं और ये क्या करेंगे, ये भी आपको अभी बताऊंगा. प्राइमर्स आर ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस व्हिच हाइब्रिडाइज द डीएनए सेगमेंट और डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम 3' टर्मिनल. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ये फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएंगे, जैसे मान लो कि एक फ्रेगमेंट हमारे पास ये है, दूसरा फ्रेगमेंट ये है, दिस प्लस दिस 5, 3, 5', 3', तो प्राइमर किसे कहेंगे? व्हाट इज प्राइमर? देखना, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट हाइब्रिडाइज द डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम 3' टर्मिनल, यानी कि 3' टर्मिनल पर ये इसको हाइब्रिडाइज कर दे.
इधर इस वाले को भी 3' टर्मिनल पर हाइब्रिडाइज कर दे। आ गई बात समझ में? इनको हम कहते हैं प्राइमर्स। क्लियर? तीसरी चीज हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हाइब्रिडाइज हो गया तो अब इसको पॉलीमराइज भी करना पड़ेगा। अब यहां पर डीएनटीपीज ऐड होते जाएंगे, ये सीक्वेंस बढ़ता जाएगा, तो तीसरी चीज हमें क्या चाहिए? द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का मतलब ऐसा एंजाइम जो कि हाई टेम्परेचर पर स्टेबल हो, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये थोड़े एलिवेटेड टेम्परेचर पर होता है, तो अब हमें ऐसा पॉलीमरेज चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर पर स्टेबल हो और एक्टिव हो, अपना काम कर सके। आ गई बात समझ में? ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जो है ये ऑब्टेन किया जाता है एक बैक्टीरियम से जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ओके, तो ये तीन कंपोनेंट हो गए। फिर से रिपीट कर दूं, पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीपल्स चॉइस रिएक्शन। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, कैरी म्यूलिस इन्वेंटेड दिस टेक्निक एंड अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी। तीसरी चीज जो याद रखनी है, कंपोनेंट क्या क्या चाहिए। डीएनए टेम्पलेट यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस जीन को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, एम्पलीफाई करना चाहते हैं। प्राइमर्स चाहिए जो कि ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जो कि फ्रेगमेंट्स के 3' टर्मिनल को हाइब्रिडाइज करेंगे। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, वो डीएनए पॉलीमरेज जो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रह सके, तो उसको एक थर्मोस्टेट बैक्टीरियम से आइसोलेट किया जाता है। द बैक्टीरियम इज नोन एज थर्मस एक्वेटिकस, जो कि हाई टेम्परेचर पर एक्टिव स्टेट में होता है। इस बैक्टीरिया से ये एंजाइम आइसोलेट किया जाता है, तो इस एंजाइम का नाम हो गया टैक डीएनए पॉलीमरेज। यहां टीएक्यू का मतलब हो गया थर्मस एक्वेटिकस, ए डीएनए पॉलीमरेज विच हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। सो देर आर 3 कॉम्पोनेंट्स। अब वर्किंग मैकेनिज्म पर आ जाओ। वर्किंग मैकेनिज्म में 3 स्टेप है बच्चों, पहले तीनों स्टेप के नाम समझ लो। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप है एनीलिंग, और तीसरा स्टेप है प्राइमर एक्सटेंशन। अब आ जाओ, सबसे पहले हमें क्या करना है डीनेचुरेशन में? हमारे पास ये डीएनए फ्रेगमेंट था जिसको कि हमें एम्पलीफाई करना है। दिस इज अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज टू बी एम्पलीफाइड। फाइव प्राइम, 3', 5', 3'। अब सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या है देखो, डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन में क्या किया जाता है, टारगेट डीएनए इज हीटेड अप टू 94-96 डिग्री सेल्सियस। इसको जब हम गर्म करेंगे 94-96 डिग्री सेल्सियस पर, तो होगा क्या, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे और दोनों ही डीएनए सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट का काम करेंगे। बोथ द स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड, इनके जो बॉन्ड्स थे हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो टूट जाएंगे हाई टेम्परेचर की वजह से। तो एक स्ट्रैंड तो हमारे पास ये आ गया 5', 3', और दूसरा स्ट्रैंड हमारे पास ये आ गया 5', 3'। इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया बच्चों, डीनेचुरेशन। कहने का मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट को 94-96 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, जब इसको हीट करेंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इसके बॉन्ड्स टूट जाएंगे, दोनों ही फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाएंगे, एंड नाउ ईच एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस। पहला स्टेप क्लियर, डीनेचुरेशन। दूसरे स्टेप पर आ जाओ, एनीलिंग और हाइब्रिडाइजेशन, ऑल्सो नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या होगा, देखो ये जो सेपरेटेड टेम्पलेट हैं, इनको मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। एक टेम्पलेट ये है, दूसरा टेम्पलेट ये है, ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स हैं जो कि हमने डीनेचुरेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर दिए थे। करेक्ट। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा समझो, टू
oligonucleotides hybridize or hybrid DNA strands at 3 prime terminal and it occurs at 40 to 60 degree Celsius. अब हमने क्या किया? टेम्परेचर रखा 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस और इसमें क्या मिक्स कर दिए? प्राइमर्स. अभी हमने क्या डिस्कस किया? प्राइमर क्या होते हैं? ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स. तो जब प्राइमर ऐड किए जाएंगे बच्चों, तो ये जो दो स्ट्रैंड हमारे पास में थे, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, ये प्राइमर आकर के दोनों ही सेपरेटेड स्ट्रैंड्स के 3 प्राइम टर्मिनल को हाइब्रिडाइज कर देंगे. एक प्राइमर यहां आके जुड़ गया और दूसरा प्राइमर यहां आके जुड़ गया. प्राइमर में ये वाला एंड 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम. एंड व्हाट आर दे? दे आर दिस एज वेल एज दिस. इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया? एनेलिंग और वी कैन से हाइब्रिडाइजेशन. फिर से समझ लो, पहला स्टेप जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस, दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके बीच के टूट गए. इस प्रोसेस को कहा डीनेचुरेशन. जैसे ही ये टूटे, अब टेम्परेचर हम ले आए 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस पर और मीडियम में क्या मिक्स कर दिए? प्राइमर्स. प्राइमर क्या होते हैं? ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स. Which are complementary to 3 prime terminals of DNA. जिस DNA को हमें amplify करना है उसके 3 prime terminal के complementary sequences होते हैं. तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई, hybridize हो गया ये. Hybridization के बाद में last step आया हमारे पास, primer extension. तो अब मैं यहां फिर से हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स फिर से बना देता हूं आपके लिए. एक फ्रेगमेंट हमारा ये था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक फ्रेगमेंट हमारा ये था 5 प्राइम टू 3 प्राइम. और यहां ये आके प्राइमर अटैच हो गया था 3 प्राइम टर्मिनल पर, दोनों के ही 3 प्राइम टर्मिनल पर. एक प्राइमर यहां अटैच हो गया था और एक प्राइमर यहां अटैच हो गया था. प्राइमर का ये 5 प्राइम एंड है ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम एंड है ये 3 प्राइम. ये दो चीजें हमारे पास आ गई थी प्राइमर इसके हाइब्रिडाइजेशन के बाद में या एनेलिंग के बाद में. अब तीसरा स्टेप क्या है? देखो, DNTPs आर एडेड इन द मीडियम. अब हमने क्या किया? मीडियम में DNTPs एड किए. DNTPs क्या होते हैं अभी बताते हैं. मैग्नीशियम आयन्स की प्रेजेंस में और टेम्परेचर अच्छे से याद रखना 72 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर रखा. DNTP का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, यानी ये मोनोमेरिक यूनिट्स हैं जो एक एक करके जुड़ती जाएंगी. तो अब होगा क्या? अच्छा, एक चीज और, इस प्रोसेस में जो एंजाइम काम में आएगा बच्चों वो भी मैं बता चुका हूं, दैट इज टैक डीएनए पॉलीमरेज. टैक डीएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में जब ये सारी की सारी चीजें इससे जुड़ेंगी तो ये जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड फ्रेगमेंट्स थे फाइव प्राइम थ्री प्राइम फाइव प्राइम थ्री प्राइम,
और ये हाइब्रिडाइजेशन इनका हो ही चुका था, 3' टर्मिनल पर ये ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड या प्राइमर जुड़ा हुआ था और इधर ये जुड़ा हुआ था। अब क्या हुआ, डीएनटीपी आएंगे तो एक एक डीएनटीपी ऐड होता जाएगा, यहां एक डीएनटीपी ऐड हुआ, फिर एक और ऐड हुआ, फिर एक और ऐड हुआ, फिर एक और ऐड हुआ, यहां एक डीएनटीपी ये सब ऐड होते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन चलता गया, इस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन चलता गया। आ गई बात समझ में? तो धीरे धीरे इसकी पूरी कॉपी डेवलप हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहां पर पूरी की पूरी डेवलप हो जाएगी। जब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस डेवलप हो जाएंगे तो अब हमारे पास में दो डीएनए यहां पर डेवलप हो जाएंगे। एक जो जीन था हमारा इनिशियली, इसकी दो कॉपीज यहां आकर के हमारे पास डेवलप हो गई। आपको यह याद रखना है, प्राइमर एक्सटेंशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम 5' टू 3'। ये देखो 5 से 3 के डायरेक्शन में, 5 से 3 के डायरेक्शन में, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। तो अब मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर दूं इस पूरे सीक्वेंस को, देखो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस रिएक्शन का मीनिंग क्या है, इस रिएक्शन का मीनिंग यह है कि हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करना है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बनानी है। कैरी म्यूलिस इन्वेंटेड दिस टेक्निक इन 1985 एंड वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर दैट डिस्कवरी। दो इंफॉर्मेशन ये हुई, इसको डीएनए एम्पलीफिकेशन इन विट्रो भी कहा जा सकता है। तीन चीजों की हमें जरूरत होगी पीसीआर के लिए, डीएनए टेम्पलेट यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको एम्पलीफाई करना है, दूसरा प्राइमर्स, प्राइमर का मतलब ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू 3' टर्मिनल ऑफ द डीएनए, एंड थर्ड डीएनए पॉलीमरेज, ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहता हो। इसे हम ऑप्टेन करते हैं थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम से जो कि थर्मोस्टेटिक बैक्टीरियम है। तीन चीजें चाहिए। अब वर्किंग मैकेनिज्म में तीन स्टेप है, पहला डीनेचुरेशन, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको हमने टेम्परेचर बढ़ाया, उसका 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस मीडियम का टेम्परेचर कर दिया, तो इनके बीच के बॉन्ड्स टूट गए और ये दोनों फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए। ठीक है, दूसरा काम क्या किया, एनीलिंग, अब टेम्परेचर कम कर दिया 40 टू 60 डिग्री पर ले आए और इसमें प्राइमर मिक्स कर दिए। जब प्राइमर मिक्स करेंगे तो इधर वाले 3' टर्मिनल पर और इधर वाले 3' टर्मिनल पर एक एक प्राइमर आकर के अटैच हो गए। ये प्राइमर जो अटैच हुआ इसी प्रोसेस को हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन, और फाइनली प्राइमर एक्सटेंशन। अब ये जो प्राइमर है, ये प्राइमर इधर वाला इस डायरेक्शन में और इधर वाला इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस डेवलप हो जाएंगी। कैसे होगा ये, मीडियम में हम क्या मिलाएंगे, डीएनटीपीज दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स, मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में होगा काम, टेम्परेचर बहुत अच्छे से याद रखना है 72 डिग्री सेल्सियस रहेगा और एंजाइम जो काम में लेंगे दैट वुड बी टैक डीएनए पॉलीमरेज। आ गई बात समझ में? एक एक डीएनटीपी ऐड होता जाएगा और धीरे धीरे ये दोनों प्राइमर एक्सटेंड करते जाएंगे। याद रखना है कौन सी डायरेक्शन में, फ्रॉम 5 towards 3, ये वाला भी फ्रॉम 5 towards 3, एक्सटेंशन हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होगा। एक बार जब ये हो गया प्रोसेस तो एक डीएनए के दो कॉपीज बन गए। आ जाओ अब लास्ट ये डायग्राम से इसको समझ लो, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको कि हमें एम्पलीफाई करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट ये पहला स्टेप यहां क्या हुआ, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में हमने क्या किया था, 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जिससे ये दोनों फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, एनीलिंग और हाइब्रिडाइजेशन जिसमें टेम्परेचर 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस रखा था हमने और मीडियम में क्या मिक्स कर दिए थे, प्राइमर्स। देखो ये प्राइमर आकर के जुड़ गया इसके 3' टर्मिनल पर, इसके 3' टर्मिनल पर। और तीसरा स्टेप क्या था, प्राइमर एक्सटेंशन। प्राइमर एक्सटेंशन में हमने क्या किया, एक तो डीएनटीपीज ऐड किए मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और जो एंजाइम काम में आया दैट इज टैक डीएनए पॉलीमरेज। तो ये 5 to 3 डायरेक्शन में और ये भी 5 to 3 डायरेक्शन में एम्पलीफाई हो गया। तो अब हमारे पास दो बन गए एक से। फिर इन्हीं स्टेप्स को हम रिपीट करते जाएंगे, बार बार रिपीट करेंगे।
एक से दो बने, दो से चार बने, चार से आठ बने, फिर 16 बने, 32 बने, 64 बने, 128 बने, 256 बने, ये सीक्वेंस चलता ही जाएगा। तो ये ऑटोमेटेड मैनर में ये काम चलता रहेगा। हमें लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के बाद में, एक प्रिसाइज्ड टाइम ड्यूरेशन के बाद में सारे स्टेप रिपीट करते जाने हैं। डिनेचुरेशन किया, एनीलिंग किया, प्राइमर एक्सटेंशन किया, तो जो एक जीन था उससे दो जीन बन गए, फिर तीनों स्टेप रिपीट किए, फिर डिनेचुरेशन किया, फिर एनीलिंग किया, फिर प्राइमर एक्सटेंशन किया, तो दो से चार बन गए, चार से आठ बन गए। कॉन्टिन्यूअसली ये डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनती चली जाएंगी। दिस टेक्निक इज नोन एज पीसीआर। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको याद रखने हैं, फर्स्ट, हु इन्वेंटेड दिस टेक्निक, कैरेम्यूलिस, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर दैट। सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज जो इसमें काम में आता है वो किससे लिया जाता है, दैट इज थर्मस एक्वेटिकस, जो एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरियम है, हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है। तीसरा, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर कौन कौन से स्टेप में कितना कितना होता है। जब हम डिनेचुरेशन करते हैं तो 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, जब प्राइमर एक्सटेंशन करते हैं तो 72 रखते हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो थोड़ा कम रखते हैं, 42-60। चौथा क्वेश्चन, प्राइमर क्या होते हैं। प्राइमर्स आर ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू 3' टर्मिनल। What are DNTPs? What is the meaning of primer extension? आ गई बात समझ में? ये छोटे छोटे questions हैं जो इसमें पूछे जाते हैं। और आखिरी चीज कि DNA जो polymerase chain reaction, जो DNA का हमने amplification किया, उसके uses क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ काम आता है। कोई pathogen हमें detect करना हो, किसी specific mutation को study करना हो, DNA fingerprinting में, प्रीनेटल डायग्नोसिस में, बर्थ से पहले ही कोई डिजीज डायग्नोस करनी है, पेलियोन्टोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, तो वहां से भी बड़ा कोई डीएनए ट्रेस मिल सकता है, उसको एम्पलीफाई करके पढ़ सकते हैं। जीन थेरेपी का मतलब हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू किसी डिजीज को ट्रीट करना। तो इन छहों चीजों में यह भी इंपॉर्टेंट है कि कहां कहां इनके यूजेज हैं। डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, प्रीनेटल डायग्नोसिस, जीन थेरेपी, पेलियोन्टोलॉजी, और भी यूजेस हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। तो मेरे ख्याल से पीसीआर से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बचता है आपके यहाँ, कोई दिमाग में कोई और क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ हो, तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आप अपने क्वेश्चन लिखिए। अगला जो सेशन आएगा उसमें मैं उन सारे क्वेश्चन को रिप्लाई करूंगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, विच इज एन इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल कॉम्पोनेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इट इज अ टेक्निक बाय विच जीन ऑफ इंटरेस्ट इज मल्टीप्लाइड, और वी कैन से एम्पलीफाइड, और बार 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 जब इसको रिपीट करेंगे तो मिलियंस ऑफ कॉपीज इसकी डेवलप हो जाएंगी ऑटोमेटेड प्रोसेस में। तीन स्टेप है, बार 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 रिपीट करते जाना है, डिनेचुरेशन, एनीलिंग, प्राइमर एक्सटेंशन, बस तीन स्टेप है और तीन चार चीजें जो याद रखनी है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब आपको गलत नहीं करना है। दैट इज ऑल अबाउट पीसीआर। मिलते हैं बीट द नीट के अगले सेशन में। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जो चीज आप पढ़ना चाह रहे हैं, जो टेक्निक आप पढ़ना चाह रहे हैं, मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा अगले बीट द नीट सीरीज सेशन। ओके, सो गुड बाय। जाने से पहले हिट द बेल आइकन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पोस्ट। इसको जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए चारों तरफ, जिससे कि सब लोगों तक ये पहुंचे, जिससे कि सारे के सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएं, जो भी बच्चे नीट और एम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, गुड बाय, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।